पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स के पास नहीं है पीपीई किट, दूर से ही पर्चा देखकर दे रहे हैं दवाइयां। लोग दवाई लेते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ध्यान। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी का बयान, केजरीवाल गांधीनगर की जनता के साथ कर रहे हैं सौतेला व्यवहार, खुद विधायक ने इलाके को कराया सैनिटाइज और बांटे मास्क। राशन की दुकानों पर खुलेआम उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बार बार समझाने के बाद नहीं मान रहे हैं लोग, गली के लोगों में कोरोना को लेकर फैला है डर। कोरोना को लेकर गाजीपुर मंडी में सख्ती बढ़ी, वाहन और लोगों के आने की एंट्री अलग अलग गेट से टेम्परेचर लेकर और सैनिटाइज करके लोगों को मंडी में मिल रही है एंट्री। और कृष्णनगर मार्केट के ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना, लॉकडाउन के समय में दिल्ली सरकार ना ले दुकानदारों से बिजली के बिल हो माफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के साथ लोगों को और भी बीमारियां हो रही हैं। हमने पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखा कि लोग किस तरह से आकर दवाइयां ले रहे हैं। पिछले दिनों मोहल्ला क्लिनिक के एक डॉक्टर को कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया था। पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर और मानसरोवर पार्क के मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को दवाइयां बिना जाँच के दी जा रही हैं, सिर्फ पूछ कर ही लोगों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। लाइन में लगे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर का कहना है कि हमारे पास कोई पीपीई किट नहीं है, हमको भी कोरोना का डर सता रहा है, इसलिए हम लोगों का चेकअप नहीं कर रहे हैं, बिना जांच के ही मोहल्ला क्लिनिक में इलाज किया जा रहा है। एक दिन में लगभग 100 से 150 लोगों को दवाइयां दी जा रही हैं। हम पहली बार आए थे तो अपना आधार कार्ड लेके आए थे, हमारे वहाँ जगह का नाम पूछा, हमारे घर का, जैसे हम झुग्गी में रहते हैं, जो यहाँ मानसरोवर पार्क भी नहीं है, यहाँ झुग्गी में रहते हैं, तो वहाँ झुग्गी का पता पूछा। जैसे हमें तो पता नहीं था, मेरे घर वाले आए थे, उन्हीं ने बताया था पहली बार जब, फिर उसी पर्ची से बार बार रिपीट होती रही। अब तो जैसे जैसे वो हुआ तो बाहर से देख पूछते हैं, पहले तो अंदर जाते थे सब जने, चेक कर रहे हैं, पर्ची बना के दे रहे हैं। दवाई दी जा रही है? हाँ जी, दी जा रही है। देख रहे हैं भैया, चेक कर रहे हैं, दवाई जिसको जो मर जाए उसे दवाई ले रहे हैं यहाँ से। दवाई तो अंदर से दवाई नहीं दे रहे, बाहर से ले रहे हैं। लाइन बाहर इसलिए लगा रखी है इन्होंने मेरे ख्याल में, कि ताकि अंदर भीड़ ना हो, जैसा आज के टाइम में वो चल रहा है COVID-19 का, अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो। हाँ, दवाई पूरी प्रॉपर आ रही है, लेकिन कभी कभी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो नहीं आती हैं, तो स्टॉक में नहीं होती हैं, तो फिर दोबारा आने के बाद मिल जाती हैं। डॉक्टर कम से कम 10 मिनट में तो नंबर आ रहा है एक बंदे का, और चेक भी नहीं कर रहे, बाहर से बाहर पर्ची बना रहे हैं। जैसे मेडिकल पे मेडिसिन मिलती है ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं, यहाँ से पर्ची पे लिख के दे रहे हैं, और फिर पीछे आके विंडो बना रखी है एक और छोटी सी, उसके पीछे से दवाई मिल जा रही है। मैं भैया रोज नहीं आती, 5-6 दिन बाद आती लेने शुगर की। अंदर नहीं, बाहर से देख के देते हैं दवाई। दवाई प्रॉपर मिल रही है? हाँ, हमारे पास करीब 200 पेशेंट आ रहे हैं पर डे, और बाकी हमारे पास जो मास्क हैं और ग्लव्स भी हैं, तो वही पहन के हम उसको जो है काम करें। अभी तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन हमारे पास नहीं है, पीपीई किट नहीं है, तो हर पेशेंट को अंदर बुला के तो एग्जामिन करना मुश्किल है। हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं ऐसे किए जाते हैं, बट जो भी किसी को ज़रूरत है अगर, तो उसको बुला के देख भी लिया जाता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया को अपने आगोश में लेती जा रही है। इस बीमारी ने पता नहीं कितने की जान ले ली है और कितने लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। देश के पीएम से लेकर हर राज्य के सीएम देश की आवाम से बार बार यही आग्रह करते हैं कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम लोग इस भयंकर महामारी से बच सकते हैं। हम सबको एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, लेकिन दिल्ली की आवाम को लाख बार समझाने के बाद उनके समझ में नहीं आता है कुछ चुनिंदा लोगों को। पूर्व दिल्ली के चंद्रनगर में लोग सरकारी राशन की दुकान पर राशन लेने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि हम लोगों को बार बार कहते हैं कि आप लोग
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आता है। राशन लेते समय सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिविल डिफेंस के जवान लगे हुए हैं, बार बार लोगों को समझाते हैं, फिर भी लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। गली में भीड़ हो जाने की वजह से इलाके के लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर बढ़ गया है। सभी लोग यही चाहते हैं कि कृपया सभी लोग इस भयंकर बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। ये लोगों को लोग जागरूक नहीं है, लोग बस ऐसे डिस्टेंस के धज्जियाँ उड़ा रखी लोगों ने। राशन लेने आते कोई हिसाब किताब भी नहीं है, एकदम बढ़ जाते, भीड़ लेकर खड़े होते, दुकानदार भी क्या करे, राशन वाले भी वो भी क्या कहकर थक गए, उनको पार्क बिठा रखा पार्क, फिर वहाँ से एक जने के चार सौ वैसे आए थे लोग स्कूटर लेके, गाड़ी में चार बच्चे परिवार छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग। सरकार अपील कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट अपील कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपील कर रही है कि डिस्टेंस बना के लेके, लोग डिस्टेंस का बहुत अनादर कर रहे हैं। सर ये सारी टीम कराने में लगी हुई है, लेकिन गोले भी बनाए गए हैं, जो भीड़ आती है वो अपने उसके अकॉर्डिंग नहीं खड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे। भीड़ इतनी होती है कि लाइन पूरी क्रॉस कर देती है, पूरा चौक जाम हो जाता है पीछे का, बाइक्स वगैरह भी लोग पूरा डंडा भी खेले, उन्होंने बलियाँ भी लगवाई हैं ताकि बंदे अंदर ना आए, लेकिन तब भी लोग सारे अंदर को आ जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा तो हर एक को है, वो किसी को देख के नहीं आएगा, ये लोगों को खुद समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हमको अपना सोशल डिस्टेंस जो है वो खुद मेंटेन करना है। बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है जी यहाँ पे, एक तो हमारी दिल्ली सरकार की गलती है ये, तो अगर ये मैसेज जो डालते हैं सबको मोबाइल में एक साथ डालते हैं, इनको ये चाहिए कम से कम 50 कार्ड का डेली का मैसेज डाला जाए ताकि पब्लिक मोहल्ले में इकट्ठी ना हो। इस गली नंबर 3 चंदनगर वेस्ट में दो राशन की दुकानें हैं, आमने सामने हैं दोनों, और पब्लिक सुबह 4:30 बजे से यहाँ लाइन लगी होती है। 5 बजे से फोन आने शुरू हो जाते हैं, गुप्ता जी टोकन नंबर डाल दीजिएगा, गुप्ता जी टोकन। हम इतने परेशान हो गए हैं कि कितने टोकन डलवाते हैं, मतलब सोना भी आराम है, हमारा खाना भी आराम है। अरे ये पब्लिक को तो हमारे तो सारे वहाँ पे जाते हैं, और पांडे जी हैं 5-5 को भेजते हैं, ले जाते हैं दूसरे की दुकान है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, मैं उसके बारे में क्या कह सकती हूँ। पब्लिक जो है मान नहीं रही है, अब इन्होंने नंबर भी दिए हैं कि आप नंबर लो, इस डेट में ये एक दिन में 50 लोगों को राशन दे रहे हैं इस समय मेंटेन करने के लिए ही, पर पब्लिक फिर भी वो इतनी हैवी हो चुकी है, और गवर्नमेंट ने इतना फ्री का जो बांट के जो है हैवीपन कर दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सर मैं 5-5 बंदे भेज रहा हूँ पार्क से, पार्क में मैं दूर दूर खड़े कर देता हूँ, और 5-5 बंदे भेज रहा हूँ, 5-5 बंदे मेरे आ रहे हैं और राशन लेके जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का बीच बीच में मैं आके देखता जाता हूँ। लोगों को ऐसा हो गया जैसे फ्री मिल रहा है तो मतलब ज़बरदस्ती खींच लो आराम से, किसी को पेशेंस है ही नहीं है। कम से कम ये हो कि 50 कार्ड 60 कार्ड आए लेके जाएं, कोई मना नहीं कर रहे हैं, हम दे ही रहे हैं, मगर कस्टमर मानने को तैयार नहीं। भाई साहब हम तो चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं उनकी, ये सिविल डिफेंस वाले हैं, इनको 3 दिन से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आज इन्होंने क्या किया, कल के और परसों के और आज के कार्ड तीनों मिक्स कर दिए, मिक्स करके इकट्ठे भेज दिए। वहीं पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर मंडी, जहां भीड़ को देखते हुए प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है। कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए मंडी में हर संभव प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जिससे कोरोना को कम किया जा सके। मंडी में 2-व्हीलर्स की एंट्री अलग गेट से होती है, और पैदल आने वाले लोगों की एंट्री अलग गेट से की जा रही है। किसी भी लोग को मंडी में एंट्री से पहले टेम्परेचर लिया जाता है और उनको सैनिटाइज भी किया जाता है। इलाके में साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यापारी कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान मंडी के अंदर रख रहे हैं, जिससे इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। फिलहाल मंडी के हालात अभी काबू में हैं और हर लोग मंडी पर ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी सजग दिखाई दे रहे हैं। समय समय पर इलाके को सैनिटाइज किया जाता है और साफ सफाई पर विशेष ध्यान मंडी में दिया जा रहा है। ऐसे बहुत अच्छा से चल रहा है हमारे यहाँ, समझिए कि मंडी से 1 किलोमीटर दूर तक बांस का बैरिकेटर लगा दिया गया है। गाड़ी को मंडी में प्रवेश करने का अलग लेन है, पैदल आने वालों का अलग लेन है, और हम लोग मंडी में बार सीरियल वाइज लोगों को प्रवेश करा रहे हैं, और वहाँ पर लोगों को टेम्परेचर भी हम वो करके भेज रहे हैं। तो आने जाने वालों को लाइन बाई लाइन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर भेज रहे हैं और बुला रहे हैं, तो इसलिए मंडी में हमारे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। कल समझिए कि 7,000 लोग पैदल हमारे मंडी में आए थे, और आज संख्या 5,000 की रह गई है, तो 2,000 लोग की आज कमी आई है। नहीं नहीं, माल पहले का ही है, ठीक है ना, स्टॉक सब्जी में तो होता ही नहीं है, यहाँ हम लोग कमीशन एजेंट यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर माल आता है रोज़, लोगों को बेचना होता है, तो स्टॉक का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हमने
मंडी के अंदर 25 सिविल डिफेंस लगा रखे हैं, फूल मंडी बंद है, वहाँ का भी स्टाफ बुला लिए हैं, हमारा भी स्टाफ है, सफाई कर्मी का संख्या बढ़ा दिए हैं। तो इन बढ़ाने का मतलब है कि हर गली में, मंडी के हर गली में लोग रहें, ताकि कहीं भीड़ भाड़ हो वहाँ पर हमारा सिविल डिफेंस पहुँच जाता है कि भैया यहाँ पर दूरी बना कर रखिए। तो हम भीड़ होने ही नहीं दे रहे हैं, इकट्ठा होने ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं, हमारा मंडी सुरक्षित है। देश में कोरोना एक ऐसी आपदा है जो हर चीज से ऊपर है। हर राज्य की ये पहली प्राथमिकता है कैसे इस बीमारी को खत्म किया जाए। हर जनप्रतिनिधि अपने इलाके के लोगों का भी ध्यान रख रहा है, इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर इलाके की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आज खुद इलाके के बीजेपी विधायक ने गांधीनगर के शंकर नगर शांति मोहल्ला को सैनिटाइज करवाया है। विधायक ने कहा कि केजरीवाल गांधीनगर की जनता के साथ आपदा में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो भेदभाव कर रहे हैं। विधायक ने इलाके में जाकर होममेड मास्क बांटे और लोगों को सैनिटाइजर भी दिए हैं। अभी तक कोरोना मुक्त नहीं है, काफ़ी केसेस गांधीनगर में आ गए हैं और हम 8 विधायक विपक्ष के हैं। हमने दिल्ली सरकार से बात की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की है, कोई सैनिटाइजेशन का दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी हम 8 विधायकों के नहीं पहुँचाएगी। हमने ADMC के अधिकारियों से बात की गई, वहाँ से भी सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, इसलिए हमने अपनी 5 मशीनें खुद व्यक्तिगत खरीद के और हमने जो है हमने और हमारे जितने भी साथी हैं हम लोग खुद घर घर जाके हम लोग जो है जहाँ जहाँ से लोग हमको फ़ोन करते हैं हम लोग खुद जाके हम लोग कर रहे हैं। मेरे यहाँ जो रेड जोन है बुलंद मस्जिद और शास्त्री पार्क का एरिया है, वहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए जल बोर्ड की गाड़ी जो आम और विधानसभाओं में चल रही है उन गाड़ियों के लिए मुझसे चिट्ठी ली गई, तब उनके यहाँ पर गाड़ी दिल्ली जल बोर्ड की भेजी गई। ये हमारा होममेड मास्क है और हमने यहाँ पर कपड़ा लेकर प्योर कॉटन का और हमने लेडीज़ों से सिलवाया है। इससे दो फायदे हुए हैं कि जो घरों में लोगों को काम भी मिल गया है, तो हम इसमें से 500 मास्क रोज़ बनवाते हैं और लोग बांटते हैं, तो कम से कम अगर 2-3 महिलाएं मिलकर भी बना लेती हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है। और चीज़ अच्छी है, कॉटन है, कई बार आप वैसे रेडीमेड मास्क खरीद लें अगर आप, तो उसमें यह है कि एक बार आप यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएंगे, इसको लोग धो सकते हैं और इसको परमानेंट यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सिस्टम हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने किया हुआ है कि स्वयं भी जा कर के क्षेत्र के अंदर सैनिटेशन का काम कर रहे हैं। ये अपने 4 कार्यकर्ताओं को लेकर के ये क्षेत्र में निकल पड़े। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी वीडियो अपने फेसबुक पे इन पर आती है, कभी किसी क्षेत्र में कभी किसी क्षेत्र में। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि विधायक खुद जाकर के क्षेत्र में सैनिटेशन का काम कर रहे हैं। दिक्कत यही है जी कि आज इतने दिन से कोई सैनिटाइज नहीं हो रही यहाँ पर और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आज विधायक जी ने खुद अपने आप सैनिटाइजिंग करनी चालू करी। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर मार्केट के ज्वाइंट सेक्रेटरी बंसीलाल का कहना है कि जिन दुकानदारों की लॉकडाउन को लेकर 2 महीने से लगभग दुकानें बंद हैं, उनके बिजली के बिल दिल्ली सरकार माफ़ करे। जब 2 महीने में आपदा को लेकर लॉकडाउन है, दुकानें खुली नहीं हैं, तो उनके बिल भी नहीं लिए जाने चाहिए और दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनके बिल माफ़ करने चाहिए। ऐसे सर, यहाँ किशन नगर में कोई 4-5 हज़ार दुकानें हैं हब में। अगर आप 57 फुट रोड से आएंगे बीकानेर से, फिर शिव मंदिर से होते हुए किशन नगर से होते हुए आपका चंद्र नगर विजय चौक ये आता है, तो यहाँ 4-5 हज़ार दुकानें हैं। उसमें क्या है कि दुकानदारों ने पिछले 2 महीने, लगभग 17 मई को 2 महीने हो जाएंगे, दुकानें बंद पड़ी हैं। ना उनकी कोई आमदन है, ना उन्होंने दुकान खोली है और ना उन्होंने कोई बिजली कंज्यूम की है। जब मीटर बंद हैं तो हमारी जो है दुकानदारों की मांग है कि दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि एक मिनताना तरीके से, भाईचारे की तरीके से इनको जो है माफ़ कर दो, मुआवजा कर दो, तो दुकानदार भी एक अपील कर रहे हैं कि ये मीटर का जो रेंट है, बिल जो है, ये एक मिनिमम बेस पर आए।
शराब से दिल्ली सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जिसको लेकर लॉकडाउन में भी शराब की दुकानों को खोला गया है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। लेकिन आज पूर्वी दिल्ली के सभी शराब के सरकारी ठेके बंद रहे। लोगों को पता नहीं था, बहुत से लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन आज शराब के जो ठेके थे वो बंद थे, जिससे उन लोगों को वापस जाना पड़ा है। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।